हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वाई टू मैथ क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे शेषफल प्रमेय, यानी कि यह मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हर परीक्षाओं में एक से दो प्रश्न इससे देखने के लिए जरूर मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए देरी न करते हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारे पास दिया है 17 की पावर 136 बटे में 18, यानी कि 17 की पावर 136 में हमें भाग लगाना है 18 से और हमें बताना है कि इसमें शेषफल यानी कि शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको हर परीक्षाओं में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए हम आपको सिंपल ट्रिक यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि आपको हर यूट्यूबर शायद ना बताते हों। तो देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न आपको कहीं पर दिखाई दे तो यानी कि हर और अंश का अंतर एक हो, यानी कि इन दोनों का अंतर एक हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए, हमारे पास भाग किससे देना है 18 से और लगाना किस में है 17 से, यानी कि 17 छोटी है 18 से, तो इससे हम एक अंक आगे बढ़ लेंगे यानी कि 18 × 1 = 18 कितना होगा। यहाँ पर माइनस एक हमारे पास बचेगा, यानी कि अगर हम 17 को 18 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि शेष हमारा 17 ही बचेगा। लेकिन अगर हम एक बार ले जाएंगे तो 18 होगा लेकिन एक शेष बचेगा यानी कि माइनस में आएगा, क्योंकि 17 यानी कि 17 से एक ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस में आएगा। तो यहाँ होगा हमारे पास माइनस एक और इसकी पावर 136 बटे में 18 हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर माइनस यानी कि माइनस का पावर एक हो और उसकी घात सम संख्या हो, यानी कि उसकी घात सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो तो वह क्या हो जाता है, प्लस एक, यानी कि माइनस माइनस मिलकर एक बन जाता है यानी कि प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे बचेगा एक और बटे में हो जाएगा 18। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास शेष कितना हो गया, एक, यानी कि 18 में हम एक में भाग देंगे तो एक ही हमारा बचेगा, यानी कि हमारा शेष फल हो गया हमारे पास एक, जो कि यही हमारा राइट उत्तर है यानी कि सही आंसर है। तो फिर चलिए दोस्तों, इसी तरीके से एक प्रश्न और लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, यानी कि इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है हमारे पास 39 की पावर यानी कि 39 की घात 22 बटे में 7, यानी कि 39 की पावर 22 में हमें भाग लगाना है 7 से, तो इसमें शेषफल क्या बचेगा इसी को हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम यह देखेंगे कि यहाँ पर अंतर भी सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पर अंतर भी एक का नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है। तो इसके लिए देखिए, आपको सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम 39 में यानी कि 39 को हम 7 से काटेंगे, तो यह किससे काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना शेष बचेगा, यानी कि 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा तो शेषफल, यानी कि यहाँ पर हम शेषफल लिखते हैं, शेषफल बचेगा 4 और 4 की पावर कितना है 22 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर घात 22 है। तो देखिए, 7 × 5 = 35, 4 हो गया 39, यानी कि यहाँ पे हो गया 4 की पावर 22 बटे में 7। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 4 को 22 बार लिखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसके लिए हम एक सिंपल मेथड आपको सिखाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 की पावर 1 करेंगे, 4 की पावर 1 करेंगे तो शेषफल यानी कि यह होगा हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, क्योंकि 7 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 ही बचेगा। फिर हम 4 का पावर 2 करेंगे, 4 का पावर 2 करेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि 7 से भाग देंगे तो 7 × 2 = 14, यानी कि रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। अब फिर हम 4 की पावर 3 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 64, अब इसका रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 7 से भाग देंगे तो 7 × 9 = 63, यानी कि इसका रिमाइंडर बचा 1। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से करने पर जहां पर भी रिमाइंडर 1 आ जाए, यानी कि जहां पर भी रिमाइंडर 1 आ जाए वहीं तक हम इसको लेते हैं। तो देखिए, इसे हम कितनी बार लिखे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि इसे हमने 3 बार
यानी कि 3 तक ले गया। तो देखिए अब हम 3 का भाग 22 में दे देंगे, 3 से हम भाग लगा देंगे 22 में, 3 से 22 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 7 21, यानी कि यहाँ से शेष फल हमारे पास बचा 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए दोस्तों इसे यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1, क्योंकि शेष फल हमारे पास 1 बचा। अब यहाँ से पावर हो जाएगा 1 और बटे में 7। तो देखिए इसको अब हम हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से होगा 4 1 के 4 बटे में 7। अब देखिए यहाँ पर अंश यानी कि अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है, इसलिए हमारा यही राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 4 हमारा शेषफल बचेगा और यही हमारा सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से एक प्रश्न और लेते हैं जिससे कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न उसी तरीके से है, यानी कि इसके पीछे वाले प्रश्न की तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका अंतर, अगर अंतर 1 आता है तो हमें करने में आसानी हो जाती है, लेकिन अगर अंतर 2 3 या फिर उससे ज़्यादा आता है तो इस तरीके के प्रश्न करने के लिए हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से बताया, अगर आप उस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको इसे करने में जल्दी होगी, सिर्फ आप इस पर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। तो देखिए चलिए फिर इस प्रश्न को भी हम उसी तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 की पावर 21 है और बटे में 5 है, यानी कि 3 की घात 21 बटे 5। इसमें हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए अगर 3 3 हम 21 बार लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब यही होता है, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर एक हम छोटा सा आपको बता देते हैं, सॉरी जैसे 2 की पावर हमने 3 ले ली है तो हम 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि 3 बार। तो इसी तरीके से 3 की पावर 21 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × यानी कि 21 बार। लेकिन इस तरीके से अगर हम इसे हल करने लगेंगे तो हमारे पास पेपर में करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसके लिए हम आपको सिंपल मेथड बताए थे, उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास आधार यानी कि जो हमारे पास बेस दिया हो उसका हम उसकी पावर 1 करेंगे और जो हमारे पास आएगा उसे लिखेंगे, और हम जो हमारे पास आया उसमें हम 5 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा यानी कि रिमाइंडर बचेगा उसे हम लिखेंगे। तो यानी कि 5 में अगर हम 3 से भाग देंगे, सॉरी 3 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 ही बचेगा, क्योंकि 3 छोटी संख्या है। उसके बाद हम 3 की पावर 2 लेंगे तो यह कितना होगा, 3 3 9। अब 9 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 4, यानी कि 5 1 5 5 4 9। अब फिर हम 3 की पावर 3 ले लेंगे, 3 की पावर 3 लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27। अब 27 में रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, यानी कि 27 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 5 25 रिमाइंडर बचा 2। अभी भी हमारे पास 1 प्राप्त नहीं हुआ, जब तक 1 नहीं प्राप्त होता तब तक हम इसी तरीके से हल करते चले जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम 3 की पावर 4 ले लिए, 3 की पावर 4 लेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 3 27 3 81। अब इसमें रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि अब हम 5 से 81 में भाग देंगे तो 16 5 80, यानी कि शेष पर कितना बचा, 1, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। तो देखिए अगर आपको जहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाए वहीं तक आपको इस तरीके से हल करना है। तो उसके बाद देखिए आप कितने स्टेप चले, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि 4 स्टेप तक आपने इसे हल किया। तो देखिए अब हम 21 में हम 4 से भाग देंगे, यानी कि 4 स्टेप चले तो 21 में हम 4 से भाग देंगे। तो देखिए 21 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ से हमने 21 में 4 से भाग दिए तो यहाँ पर कितना बचेगा शेषफल, 4 5 20, यानी कि शेषफल बचा हमारे पास 1, शेषफल बचा 1। अब इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 बटे में 5, यानी कि 3 की पावर 1 बटे में 5। तो देखिए इसे हम लिखेंगे तो 3 बटे 5। अब देखिए ऊपर हमारे पास छोटी संख्या है यानी कि हर से छोटी है, तो यही हमारा राइट उत्तर होगा, यानी कि शेषफल हमारे पास सिर्फ 3 ही बचेगा। तो इसका हमारे पास रिमाइंडर हो गया 3, जो कि यही हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपको इस तरीके से, अगर आपको यह तरीका
अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, हम इसे अब एक छोटे बेस पर यानी कि छोटे प्रश्न लेकर आपको इसे हम कंफर्म कर देते हैं कि यह नियम सही है कि नहीं। तो देखिए, जैसे हमने ले लिया एक यानी कि उदाहरण के रूप में हमने ले लिया 4³ बटे में हमने ले लिया, चलिए 7 बटे में हमने 7 ले लिए। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या बताया था कि 4 की पावर अगर हम देखिए इस तरीके से तो इसे हम हल कर सकते हैं, क्योंकि यह छोटी पावर है तो इसे हम बेसिक से हल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, क्या वह नियम जो हमने आपको अभी ऊपर बताया वह सही है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ से 4¹ करेंगे कितना होगा 4, 4¹ करेंगे तो 4¹⁴ यानी कि 7 से भाग देंगे तो 16 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। उसके बाद 4³ करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा यानी कि 64 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1 यानी कि रिमाइंडर बचा 1। तो देखिए, अगर 1 जहाँ पे प्राप्त हो जाए वहीं पर हम इसे छोड़ देते हैं। कितने स्टेप चले हमने यानी कि कितना चला, 1, 2, 3 यानी कि 3 स्टेप तक हमने इसे हल किया। तो देखिए, अब हम 3 का भाग हम उसके पावर में जो पावर हमारे पास दिया रहेगा उसमें हम लगाते हैं तो यह कट जाएगा, यह बचेगा कितना 0 यानी कि 1 बार गया तो हमारे पास शेष फल यानी कि हम शेष फल लेते हैं तो शेष फल हमारे पास बचा 0। तो देखिए, रिमाइंडर यानी कि शेष फल निकालने के लिए हम इसकी घात 0 नहीं करते। अगर इसकी घात हम 0 कर देंगे तो या तो हमारे पास हो जाएगा 1 यानी कि किसी भी अंक का घात 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाता है, और बटे में 7 करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से हम नहीं करते हैं। अगर आपको कहीं पर 0 दिखाई दे तो उसका रिमाइंडर हम 4 मान लेते हैं यानी कि उसका रिमाइंडर हम 4 मान लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका रिमाइंडर 1 ही होगा, हमने वह आपको यूनिट डिजिट में लेकर चले गए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए, अब देखिए यहाँ से इसका रिमाइंडर हमने इस तरीके से किया तो 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए, हम बेसिक से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 4¹⁶, 16¹⁴ यानी कि यह हो गया 64। अब यह हो गया 7, अब 7 से काटेंगे तो 7¹⁶ यानी कि 7¹⁶। अब शेष फल कितना बचा है, शेष फल यहाँ पर भी हमारे पास 1 ही प्राप्त हुआ यानी कि यह नियम आप एकदम राइट और सही है। इसीलिए आप लोग इसी नियम से इस तरह के प्रश्नों को हल करिएगा अगर आपको पावर अधिक दिया हो तो। तो फिर चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।